चाहिए तो अभी फिलहाल मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप को। मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ इंग्लिश के और बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट्स, नया नया मेकअप, ये सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ, तो बस उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जी जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो चीज़ है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि, इसलिए ना मैं मुंह फट रहती हूँ, इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया। बाकी लोगों ने बोला भी कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है, तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा। तो अभी क्या है कि जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ, बट ऑफकोर्स मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ, मतलब उल्टा नहीं बोलती हूँ किसी को। जी 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 हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों की दो फ्लाइटें थी, एक में मैं, नायरा और ऐश्वर्या थे, और भी डेजी और भी बहुत सारे शहजान, ये सब लोग थे। पहली वाली फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए वैनिटी में एक साथ, वो दो लोग थे, ऐश्वर्या और नायरा। तो हम तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना, उसे तीन त्रिमूर्ति भी बोला गया था, तो हम लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड बना है। अर्चना, माना जा रहा है फाइनल तक की दौड़ पे आपका नाम है, जी इस पे कितनी सच्चाई है? वो तो आपको खतरों के खिलाड़ी देख के पता चलेगा, बट ये है कि जो जनता ने सोचा था, मैंने उनको डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने फैंस को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से स्टंट किए हैं, कोशिश की है करने की, तो वो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। अर्चना, आप जब बिग बॉस में जा रही थी, जी उसमें अगर आपका ग्राफ देखा जाए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक और रियलिटी शो करेंगी आफ्टर बिग बॉस, वो कैसी फीलिंग थी जब आपको ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी, अब आप आ चुकी हैं वहां? जी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी, बस था कि पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, 50-50 था, बट जब मुझे ऑफ़र आया खतरों के खिलाड़ी का, तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और छिपकली है उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, भगवान का टच वुड कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़ ठंडे पानी, वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर लगा ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थैंक यू अर्चना, अब यहाँ पे इधर अर्चना, अब एज इज जस्ट अ नंबर, बार बोल दिया उन्होंने,
एक्चुअली इंग्लिश इसलिए क्योंकि मैं जब केप टाउन में गई थी ना तो मुझे सारे फॉरेनर्स मिले, वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, क्रू मेंबर इंग्लिश में बात करते थे, तो मुझे ना प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करूँ. तो मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जाने के लिए इंग्लिश इज कंपलसरी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी. थैंक यू. अच्छा ना, अच्छा बस 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 अच्छा ना, सबसे पहले आज के लिए कितना ज्यादा वेट किया था? और जो मेरा बोल था जैसे प्रोमो भी आया है तो वो पूरा था, जहाँ पे मैं पटरा गोए के बारे में बात कर रही हूँ. तो स्टार्टिंग में थोड़ा गलत फहमी हो गई थी, बट बाहर निकलने के बाद मेरी गलत फहमी दूर हो गई. अभी रूही, रंजुम सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. लाइक यू नो टेक केयर. हां भाई, अर्चना जी एक साथ में आइए ना. तुम कहां आए हो? जनता वाइट बाकी है. आ जाइए सबसे पहले. ये जो सफर है आपके फैंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है. किस तरह से देख रहे हो आज के दिन को? बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला. और ये इंडिया का नंबर वन शो सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअली है, क्योंकि जब ही हमने किया तब हमें पता चला. और कितने स्टंट तो मैंने अर्चना ने साथ में किए. और ओ माय गॉड, अरे भैया नौ चंदी का मेला और हलवा पराठा जो याद आया है. हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था और मुझे ये बात पता नहीं थी और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है. तो वहाँ जाके हम दोनों बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, डर. मैं देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले तो. तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही हैं तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले, दही बल्ले सब हमने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर. वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे 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 बाद देख लो. और अर्चना का जो फाइनल की जो दौड़ रहती है सबसे ऊपर आप दोनों का नाम है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मेरठ वाले हैं, तगड़े तो हैं, तगड़े तो हैं. बाकी हम ये स्पॉइल नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो हमने किया है ना, हम चाहते हैं कि वो हमारे फैंस ऑडियंस बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सच में एंजॉय करने वाली चीज़ है. राइट 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 राइट. और अर्चना ने जितना एंजॉय दिया है ऑडियंस को, ये हैट्स ऑफ टू अर्चना. डीनो के साथ किस तरह सबसे स्ट्रॉन्ग हुई, आप लोग सबने कहा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? किस तरह मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग थे डीनो? हम एक ही बात बोलते थे, मैन वर्सेस वाइल्ड है डीनो. मतलब इंसान और पूरी पूरी ताकत से लड़ा दोस्तों, ताकत जानवर से लड़ा दोस्तों, उसको शेर के सामने ऐसी खड़ा कर दो, खड़ा कर दो. एक्चुअली वो ना पहली बात तो उसको ना टेंशन नहीं है, उसने जो भी स्टंट किए है ना एंजॉय किया. खासियत डीनो, खासियत डीनो भाई की ये थी कि उनके दिमाग में ना एक बड़ी शांति वाला फीचर था. हमें अपने आप को काम करना पड़ता था, उनमें ऑलरेडी था इनबिल्ड कि वो शांत ही थे नेचर में. मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी ना, ना, होगा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं. जिसमें सबकी हालत खराब होती थी उनको मजा आता था, मजा आ गया. क्या अरे हालत खराब हो गई मेरी, ऐसा था वो, इतना स्ट्रांग था. शिव के बारे में क्या कुछ कहना था? अर्चना ने बोला उनका फोबिया लिजर्ड के साथ था, आपका किससे फोबिया था? और अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर, तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था. फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल रहा था. अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा आज ही एपिसोड में दिखा शायद. हाँ, आज के एपिसोड में शायद, नहीं कल के एपिसोड में. तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन इनके नाम से सांपन, सापन थी. तो वो सापन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में, बाजू में ये था. तो वो सापन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के और उस सापन ने इसको लपेट लिया. और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था और चुना का सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था. मेरी हालत खराब, मैं कह ये क्या हो गया यार. तो वो सच में वो बहुत, मतलब जब भी हम दोनों साथ में रहे ना उस बात को जरूर याद किया हमने, बहुत मजा आएगा. मतलब अब देखना क्या हुआ फिर बाद में. है ट्रिम करा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? कहां ट्रिम करा है, पूरी की पूरी चोटी नहीं नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल ट्रिम नहीं कराया, मोड़ लिया, मोड़ लिया, मोड़ लिया उसने. क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, कभी कभी बाल अच्छे नहीं दिखते थे. शीतान बाल नहीं अच्छे दिख रहे तुम्हारे, इनको ना छोटी को थोड़ी ऐसे को कर लो. तो मैं उसके लिए भी थैंक यू. और एक इसने पनौती चोटी भी बनाई. अरे यार उसके बारे में इनको देख नहीं दो, पनौती चोटी बनाई थी भाई साहब मैंने. तो अब उसके साथ क्या हुआ, ऑडियंस को एंजॉय करने दो. पता चलेगा आपको.
जी आप लोग देखना, बस आप लोग देखना हो चुका है खतरों के खिलाड़ी, आज भी आएगा कल भी आएगा सैटरडे संडे आएगा, आप लोग बहुत मजा आएगा। इस बार जितने स्टंट हुए, कितने सारे नए स्टंट हुए, तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। एक चैनल आईडी जनता चैनल आईडी, इसके बारे में बहुत कम बातचीत थी, क्योंकि वो सभी के साथ आप नए नए मिले हो, अलग अलग लोग आए हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है घुलने मिलने में, बट अच्छी बातचीत तो थी। बट जब पता चला कि हमारा डर भी सेम है, घर में देखेंगे वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएंगी, क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्क्रीनिंग पे जाके देखें, बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो फिर हम लोगों ने तुरंत कल ही प्लान किया ना, कल ही शाम को हम लोगों ने प्लान किया, और फिर इधर उधर होके सब लोगों का टाई अप हो गया, और सब लोगों ने आज पूरा शो साथ में और ये क्लब है एमिथिस्ट क्लब है, और यहाँ पे हम लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है, और हम लोग देख रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग इस क्लब में यानी एमिथिस्ट क्लब में पार्टी करने वाले हैं। और हाँ एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मतलब इनका एक ब्रांड है जो कि बहुत पहले से ही है, मतलब मैं इनसे बहुत पहले से दोस्ती हूँ, तो ग्लैम फिट इनका है, मैंने पूरा खतरों के खिलाड़ी पूरा बिग बॉस में इन्हीं के चिमवेयर मैंने पहने हैं। सारे लोगों ने खतरों के खिलाड़ी में पहने हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू खतरों का खिलाड़ी बिग बॉस सच में फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अर्चना, अर्चना इज बीइंग वेरी स्वीट आर्ट। आप लोग सब खतरों का खिलाड़ी देखिए, इनके इनको देखने में जो मजा आएगा ना, वो और किसी को देखने में मजा नहीं आएगा, सीरियसली वेरी फनी। थैंक यू सो मच।